खबर सिरौंज से। सिरौंज में वैक्सीन केंद्र अनियमितताएं की भेंट चढ़ा सरस्वती शिशु मंदिर। लोग नहीं कर रहे कोरोना गाइडलाइन का पालन, बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंस के वैक्सीन केंद्रों पर लग रही भीड़। सिरौंज आज ऐसा मामला सरस्वती शिशु मंदिर में देखने को मिला। वैक्सीन केंद्र बनाया गया था, इन वैक्सीन केंद्र पर सुबह 9 से शहर की वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ नजर आई। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए, ना तो सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा ना ही लोग मास्क लगाए हुए। सुबह 9 से 11:30 बजे तक लगभग 20 लोगों को ही वैक्सीनेशन हुआ। ना ही टोकन की व्यवस्था थी और ना ही लाइन लगी थी, मगर वैक्सीन लगवाने वालों ना ही गाइडलाइन का पालन कर रहे थे। व्यवस्था सही नहीं थी, वैक्सीन लगवाने वाले एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। हालांकि हर केंद्र पर प्रशासन द्वारा अपने कर्मचारियों को लगाया गया, मगर वैक्सीन केंद्र पर वैक्सीन लगवाने वाले ही परेशान कर रहे हैं। जब ये सूचना अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती अंजलि शाह को दी गई, तो अंजलि शाह द्वारा मौके पर नायब तहसीलदार श्रीमती अनीता पटेल को और थाना प्रभारी गिरीश दुबे को भेजा गया, जहाँ पर व्यवस्थाओं का देखते हुए कूपन और पर्ची चालू कराई गई। इसके बाद कहीं व्यवस्था में सुधार होने के आसार दिखे। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौंज विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।